हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अगला टॉपिक जो है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो हमने कर लिया कि मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था वो वाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट। सो देन वी डिड सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विच वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल। एंड देन सो थर्डली वी डन द मेंडल्स वे ऑफ वर्किंग एंड मतलब वो टेक्निक्स जो उसने यूज की। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। तो ये है आपका मेन चैप्टर का जो पार्ट है इसका, तो जिसको वजह से इसको मेंडलिज्म कहते हैं हम लोग। तो इसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन स्टडी की मेंडल ने डाली, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन और वन जीन, देन इनहेरिटेंस ऑफ डबल जीन। ये याद रखना है कि मेंडल ने फैक्टर्स बोले थे, ठीक है, हम लोग उसको जीन भी लिख सकते हैं अब। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द डबल जीन। अब आपको याद होगा कि टर्मिनोलॉजी में मैंने एक दो डेफिनेशंस बोली थी कि हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे, तो वो आ गई। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब जो हमने टर्म्स की थी होमोजाइगस हेटरोजाइगस देन जीनोटाइप फिनोटाइप, वो सारी टर्म्स जो हैं अलील्स वो सब यूज होंगी अगर। तो ये क्या है, अब अभी हम लोग ये करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली क्या था कि अभी मेंडल ने सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले जो प्लांट्स हैं वो चूज कर लिए, पेयर्स में चूज कर लिए कि इस पेयर में मैं हाइट फैक्टर को स्टडी करूंगा और इस पेयर में मैं शेप ऑफ सीड स्टडी करूंगा और अगले वाले में मैं शेप ऑफ कलर ऑफ सीड करूंगा। तो मतलब उसने हर एक पेयर में सिर्फ एक करेक्टर चूज किया कि भी मैं इसको ही एट अ टाइम करूंगा, कि भी मैं छः बाकी जो छः हैं और मतलब सिक्स और हैं जो सेवन है टोटल, मतलब सब में खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब सबको आप अगर इकट्ठा स्टडी करने लग जाओ तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे, गलत रिजल्ट आएंगे कहीं ना कहीं एनालिसिस में। तो इसलिए उसने बड़ी इंटेलिजेंटली इस वर्क को किया कि एक पेयर जो वराइटीज का लिया पी प्लांट्स का, उसमें सिर्फ एक जो करेक्टर है उसको आगे स्टडी किया अप टू एफ टू जनरेशन, एफ थ्री जनरेशन तक, कि कैसे वो इनहेरिट हो रहा है। क्योंकि देखो मेन क्वेश्चन जो है दिमाग में वो क्या था कि ही वॉन्टेड टू सी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सो दैट इज हु कैरीज द करेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना चाह रहा था वो, तो उसने इसलिए बिल्कुल एक एक सिंगल सिंगल करेक्टर्स को लिया। तो वो उसका रीजन ऑफ सक्सेस भी है, आगे जो हम रीजन ऑफ सक्सेस में लिखेंगे तो ये भी है हम लोग लिखेंगे। प्योर ब्रीडिंग से स्टार्टिंग की उसने, पहले प्योर ब्रीडिंग बनाए और उसके बाद जो है फिर सो उसने एक करेक्टर को एट ए टाइम स्टडी किया पहले, बाद में उसने दो दो को भी स्टडी किया जिसको डाईहाइब्रिड कहते हैं हम लोग। तो ये अब इसका सो क्या लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन जो है क्या लिखेंगे। सो द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, सो कह लो जहाँ ब्रीड जहाँ क्रॉस करो, सो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और यू कैन से क्रॉस, सो विच इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन आफ्टर सो जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक करेक्टर कैसे ट्रांसमिट होता है, तो एक जीन भी कह सकते हो नेचुरली वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन इन सो वन मतलब फॉर वन ट्रेट। सो एक ट्रेट के लिए कैपिटल टी, दूसरे ट्रेट के लिए स्मॉल टी, तो सिंगल जीन की इनहेरिटेंस भी कह सकते हो स्टडी करने के लिए। तो इज कॉल्ड एज सो इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और द क्रॉस विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसको ही कैरी ऑन करते हैं हम लोग आगे इस उसको, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग
पी प्लांट की, अगेन एग्जाम्पल लेंगे हम लोग पी प्लांट और उसका बोटेनिकल नेम आपको मालूम है, दैट इज पाइसम स्टाइबम। और जो हम लोग करेक्टर चूज करेंगे, ठीक है, सो वो है करेक्टर जो चूज करेंगे हम लोग, अंडरलाइन करना नहीं भूलना इस प्लांट का जो है, और करेक्टर जो हम लोग चूज करें, अब आप ये देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। करेक्टर लिया हमने हाइट, पहले प्लांट का नाम लिखना है, तो फिर उसका करेक्टर लिखना है, फिर उसके ट्रेड्स लिखने हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स हैं, तो ट्रेड कौन से हैं, टॉल एंड डबा, ठीक है। अब इसकी जीन्स लिखनी है, कैपिटल टी एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल टी। जब ये हो गया तो इसको अब ये कैरी ऑन होगा आगे, तो अब हम लोग यहाँ पे साइड में इधर आपने लिखना है पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन है, प्योर टॉल क्रॉस्ड विद प्योर डवाफ, ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं प्योर टॉल एंड प्योर डवाफ। इसके आगे मैंने पहले बताया आपको प्योर ना भी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्योर ही है, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर वो प्योर ही होता है। तो अब ये इसका क्या है जो हमने लिखा है, सो दिस इज फीनोटाइप, ये इसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, ये फीनोटाइप है। अब हम लिखेंगे इसका जीनोटाइप, ठीक है, ये मेंडल को नहीं मालूम था, ठीक है, जीनोटाइप मेंडल को नहीं मालूम था, ये जीनोटाइप आज की हमारी जो नॉलेज है उसके मुताबिक हमने ऐड किया है इसको मेंडल के उसमें, कि ये जीनोटाइप्स होंगे, उसके जीन्स होंगे, तो जीन जो मेंडल के फैक्टर्स हैं उनको जीन का नाम जॉनसन ने दिया था, मैंने पहले भी बताया था, सो 1901 में, ठीक है, सो जॉनसन। तो ये जीनोटाइप क्या है अब, सो होमोजाइगस, सो दिस इज प्योर टॉल, क्या होता है ये होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस है, और ये भी क्या है होमोजाइगस है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं चौक का, सो कैपिटल टी और इसका है स्मॉल टी, ये जीनोटाइप्स है। तो जीनोटाइप की डेफिनेशन याद होगी, सम टोटल ऑफ जीन्स फॉर वन ऑफ मोर कैरेक्टर्स, हमने वन कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसके होंगे फॉर वन ऑफ मोर कैरेक्टर्स, सो वेदर द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स और नॉट, कि चाहे वो एक्सप्रेस करे चाहे ना करे, पर हमने काउंट करना है उसको। अब है आगे गैमीट्स, ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, और एग्स बनते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट आपने पढ़ा है, उसमें एग पढ़ा आपने, सेवन सेल्स वाला फीमेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ट्यूब में पॉलन वो होते हैं, मेल गैमीट बनता है पॉलन ग्रेन से आगे। तो जो गैमीट्स हैं तो वो कैसे बनेंगे, आपको पढ़ा आपने प्लस वन में मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस होती है और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है आपको पता है, ठीक है, मैंने बताया था, सो ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और इसमें टू एन नंबर जो है वो 14 होता है वैसे, ठीक है, पर ये डिप्लॉयड है। तो गैमीट्स जो है मियोसिस होती है तो हैप्लॉयड बनते हैं गैमीट्स। तो अब एक टी इधर चली जाएगी और एक टी जो है उधर चली जाएगी, मतलब गैमीट्स जो है जितने भी बने गैमीट्स जो है तो सारे सारे कैपिटल टी वाले ही हैं, ठीक है, जितने भी बनेंगे, क्या आप एक बार भी कैपिटल टी लिख सकते हैं यहाँ पे, पर चलो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। और गैमीट्स को इस तरह से राउंड करना है आपने, हमेशा ही याद रखना इसको राउंड करना। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही हुआ कि ये स्मॉल टी अलग हो गई और ये स्मॉल टी अलग हो गई, ठीक है, सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब याद करो कि अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए बनाऊं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, सो जो है, ठीक है, तो उसमें अब मैं आपको एक अलग से बना के दिखाती हूँ। सो ये है, सो एक छोटा वाला वो ले लेते हैं हम लोग, तो ये हमने क्रोमोसोम्स लिए, ठीक है, तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे है कैपिटल टी और यहाँ पे है स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
अब जब मियोसिस हुई तो ये आपको पता स्पिंडल्स पे जुड़ जाते हैं ये, तो ये स्पिंडल्स श्रिंक करती हैं, तो ये क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया और ये क्रोमोसोम उस पोल पे चला गया, ठीक है, तो ये सेपरेट हो गए दोनों, अलग अलग गैमेट्स बन गए, ठीक है। तो इस तरह से तो ये क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर ये पड़े हुए हैं, ये अलील्स हैं, सिमिलर अलील्स हैं, बिल्कुल सेम अलील्स हैं, तो सेम जीन्स हैं कह लो आप, तो दे आर फाउंड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो ये भी होमोलोगस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब मियोसिस में सेपरेट हुए तो इस तरह से गैमेट्स बन गए, तो हर गैमेट में टॉल करेक्टर की एक जीन चली गई है, ठीक है, इसमें रिसेसिव नहीं है इसमें। अब उसके बाद आ गई F1 जनरेशन, ठीक है, तो ये साइड में आपने इसी तरह से हेडिंग्स लिखने हैं, पेरेंट्स, फिर उसका फिनोटाइप लिखना है, फिर जीनोटाइप, गैमेट्स, देन F1 जनरेशन, क्योंकि ये गैमेट सेम है तो कोई एक इसमें से कैपिटल टी ले लो, एक इसमें से स्मॉल टी ले लो, ठीक है, तो हमने ले लिया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तो ये आगे जो है दोनों इधर से, तो अब ये आ गया आपका जीनोटाइप इसका, ठीक है, हमने जीनोटाइप लिख दिया। अब ये देखो प्लांट से, प्लांट जो है, जो सीड्स आएंगे बाहर से थोड़ा ना जीनोटाइप विजिबल है, तो हमें नहीं मालूम था कि जीनोटाइप इसका क्या आने वाला है, सो पर ये क्योंकि हमने जीन्स लिखी हैं तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, पर बाहर से प्लांट को जब देखोगे तो जीनोटाइप इज नॉट विजिबल, तो ये आगे हमें पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है, पर अभी फिनोटाइप जरूर पता है इसका, ठीक है, फिनोटाइप बाहर से जो दिखेगा वो टॉल आएगा, ठीक है। अब इस प्लांट की हाइट जो है वो 200 सेंटीमीटर है नॉर्मल, ठीक है, तो इसकी भी 200 ही है, 200 सेंटीमीटर है, इसमें दो कैपिटल टी है और इसमें एक कैपिटल टी है, मतलब डोमिनेंट जीन है, ठीक है, तो ये दो डोमिनेंट जीन्स हैं, ये दोनों रिसेसिव हैं, इसमें एक डोमिनेंट इधर से आई है, एक रिसेसिव इधर से आई है, एक ही है, पर टॉल उतना ही है बिल्कुल सेम, तो ये नहीं है इसमें कि इसने 100 सेंटीमीटर बनाया और 100 इसने बनाया तो 200 हो गया, ऐसा नहीं है, दिस इज कैपेबल ऑफ, सिंगल जीन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट, एंड दिस इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट, पर दोनों जब इकट्ठी भी आ जाएंगी तो इन दोनों में से कोई एक ही अपना एक्सप्रेशन देगी, सो एडिटिव इफेक्ट नहीं होगा कि थोड़ा तू बना ले थोड़ा मैं बना लूँ फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसे एडिटिव इफेक्ट नहीं है, मतलब जोड़ते नहीं है ये आपस में, तो काउंट जो है चाहे इसने भी प्रोड्यूस किया इसने भी प्रोड्यूस किया पर वो एड ऑन नहीं हो पाए, तो इसलिए काउंट किसी एक का ही आएगा, ठीक है, जब ये दोनों जीन्स एक ही इंडिविजुअल में इकट्ठी हैं तो मान लो इसने भी प्रोड्यूस किया करेक्टर, इसने भी प्रोड्यूस किया क्योंकि दोनों कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, पर काउंट किसी एक का ही होना है क्योंकि वो ऐड नहीं हो पाए इसलिए, तो 200, तो इसमें तो है ही एक ही है डोमिनेंट, तो अपना पूरा 200 मीटर जो है बना देगी, और इसकी प्रेजेंस में ये स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन दे नहीं पाई है बिल्कुल भी, ठीक है, ये नहीं दे पा रही है, तो इसलिए ये डोमिनेंट जीन है, द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ सो इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, एंड द वन विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील इज कॉल्ड एज रिसेसिव अलील, हम लोगों ने डेफिनेशन में ये पढ़ा था। अब ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है सो ये हाइब्रिड है, ठीक है, कहाँ से पता चला हमें, जीनोटाइप से, सो वैसे तो जीनोटाइप देखो बाहर से मैंने बोला कि विजिबल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको अभी हाइब्रिड यहाँ पे कह नहीं सकते हैं, पर ये है कि क्योंकि हम जीन्स लिखते जा रहे हैं तो इसकी जीन्स को देख के हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड है, ठीक है, तो अब सो जो है ये इसकी क्या करना है हमको, सेल्फिंग, ठीक है, आगे जो है सेल्फिंग, तो इस तरह से आप लिखोगे सेल्फिंग, तो अब सो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें पार्ट जो कंटिन्यू रहेगा इसमें आगे, तो ये इधर वाले पॉइंट्स हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, तो अब क्या चेंज होगा, तो पेरेंट्स अब कौन बन गए हैं, पेरेंट्स अब कौन है, F1 इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि हमने सेल्फिंग की है करवानी है, तो और मैंने उसका तरीका आपको बताया था अभी, तो F1 इंडिविजुअल, ठीक है, F1 इंडिविजुअल को F1 इंडिविजुअल से करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाएगी, ये क्या कहेगी, सेल्फ ब्रीडिंग, और इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल, तो इसका मतलब टॉल के साथ क्रॉस कर दिया हमने। अब जीनोटाइप क्या है इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गैमेट्स क्या आएंगे इसके, वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एंड देन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक पे कैपिटल टी मौजूद है, ठीक है, सो इस तरह से ये क्रोमोसोम है,
एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, तो इस पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो जब ये म्योसिस होगी तो एक कैपिटल टी एक गैमेट में मतलब एक तरफ चली जाएगी स्मॉल टी। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, मिलियंस में बने, थाउजेंड्स में बने, तो 50% प्रोबेबिलिटी इज ऑफ कैपिटल टी एंड 50% गैमेट्स विल बी विद अ स्मॉल टी। सिमिलरली हियर, सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और राउंड करना नहीं भूलना गैमेट्स को, ठीक है, गैमेट्स हमेशा हमने राउंड करना। अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी एफ टू जनरेशन, अगली जनरेशन आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सो एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सो उनको हम लोग आर सी पुनेट कहते हैं, ठीक है, सो आर सी, सो पुनेट, ठीक है, सो इट इज डबल एन ई डबल टी, ठीक है, सो आर सी पुनेट। तो उन्होंने एक स्टैट्स का एक चेकर बोर्ड हमें दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, ये याद रखना आपने, आर सी पुनेट ने दिया पुनेट स्क्वायर। तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक चेकर बोर्ड है, तो वो यूज़ करते हैं हम लोग, मेंडल ने भी वही यूज़ किया। तो अब इसमें बड़ा इजी है उसको बनाना, तो इस तरह से हम लोग एक जितने गैमेट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग इसमें ये बना लेंगे चक्कर्स बोर्ड जो है उसमें, तो ये बना लेंगे। और हमारे पास दो गैमेट इधर हैं, दो इधर हैं। अब ये जो गैमेट है यहाँ पे एक साइड पे लिख दिए और दूसरी साइड पे दूसरे के लिख दिए, सो ये लिख दिए। और फिर अब ये देखो हम लोग कहीं पर भी मेल फीमेल नहीं लिख रहे, ठीक है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर कोई ना कोई तो इनमें से एक मेल है एक फीमेल है, वही मेंडल का वे ऑफ वर्किंग। तो हमेशा याद रखना आपने कि मेंडल ने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को कैसे बदला, ठीक है, मेल में और फीमेल में, वो सारा कुछ वो हो रहा है अब। मेंडल ने, ये मेंडल का ही वर्क है, तो उसने वो सारी टेक्निक इसमें लगाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो अब ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, सो वो कैसे अब फ्यूज करेंगे, देखो एक तरफ मेल है, सो मान लो कि ये जो गैमेट्स हैं वो मेल के हैं, और ये गैमेट मैं सिंबल्स यूज कर रही हूँ मेल एंड फीमेल के, तो ये नीचे की तरफ जो है वो फीमेल के हैं और इस तरफ को जो है वो मेल के हैं सपोज, ठीक है, ना भी लिखो मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको मेल लिया आपने और इसको फीमेल लिया तब भी वही रिजल्ट्स आने हैं, आपने उल्टा कर दिया इसको फीमेल कर दिया उसको मेल कर दिया तब भी वही रिजल्ट्स आने हैं। तो इसमें आगे हम लोग एक करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, तो वो यही है कि अगर आपने एक को पहले मेल को टॉल लिया और फीमेल को आपने डवार्फ लिया, ठीक है, तो रिजल्ट्स आ गया आपके F1 एंड F2 के। और अब आपने चेंज कर दिया, जिसको पहले मेल लिया था उसको फीमेल कर दिया, और जो तब भी आपके F1 एंड F2 के रिजल्ट सेम आए, मेंडल ने ये कहा, ठीक है, मेंडल ने करके दिखाया कि सेम आते हैं, तो उसको रेसिप्रोकल क्रॉस, जो सेकेंड क्रॉस है जिसमें हमने सेक्स को चेंज कर दिया, तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस है। अब आप देखो कि ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ अगर फ्यूज हो जाता है, ये स्पर्म है और ये एग है, ठीक है, तो हमारे पास जो जाइगोट पैदा होगा, जो सीड पैदा होगा, उसमें कॉम्बिनेशन क्या आएगा जीन्स का, होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। और ये प्लांट आपको पता है क्या होगा, टॉल, ठीक है, बाहर से देखने से तो टॉल ही होगा ना, देखो बाहर से देखने से जो प्लांट है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये प्योर है और ये हाइब्रिड है, वो टॉल ही नजर आएगा क्योंकि उसकी 200 मीटर की हाइट है, तो उतनी ही नजर, सेंटीमीटर की सॉरी हाइट है, तो उतनी ही नजर आएगी सब में। तो ये तो हमें आगे क्रॉसेस से ही पता चलता है कि कौन हाइब्रिड है और कौन प्योर है। तो अब इसमें सो कैपिटल टी को हमेशा आगे रखना है, सो कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, ठीक है, तो ये भी टॉल है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो टॉल। अब ये है कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, ठीक है, इधर से कैपिटल टी आ गई तो आगे रख दिया और स्मॉल टी, तो दिस इज ऑल्सो टॉल एंड दिस इज स्मॉल टी, दोनों तरफ से स्मॉल टी आ गई है। एंड क्या होगा ये प्लांट, डवाफ, ठीक है, सो डवाफ प्रोड्यूस होगा, ठीक, तो ये चक्कर बोर्ड आपका बन गया। दोबारा से देख लो, कैपिटल टी, सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, टॉल 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 एंड डवाफ। अब इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, तो आपने नीचे लिखना है, तो वो क्या है, एफ टू फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, इस क्रॉस की सो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, तो फिनोटाइप्स कौन है, टॉल एंड डवार्फ,
ठीक है, सो दो ही आई हैं सिर्फ, ओनली टू, टॉल एंड डवाफ। एक चीज़ और आपने देखी होगी जो मैं पहले भी बनाया था क्रॉस, कि डवाफ देखो मतलब F1 में नहीं आया था पर F2 में आ गया, तो इससे फिर मेंडल ने प्रूव कर दिया कि देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, कोई करेक्टर्स की, यूनिट फैक्टर्स की कोई ब्लेंडिंग आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। करेक्टर्स हमेशा डिस्क्रीट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, हिडन हो सकते हैं एक दो जनरेशन के लिए, बट वेन एवर दे विल गेट चांस दे विल अपियर अगेन। तो अब ये कितने काउंट करें, 1 2 3, तो ये 3 हो गए एंड ये कितना हो गया, 1, 3:1 रेशो, ये याद रखना आपने, 3:1 रेशो। ठीक है, तो इसको अगर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखना है हमने, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट इज 3/4 एंड दिस इज 1/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीड्स जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो ये थोड़ा ना कि सिर्फ 4 ही आएंगे, वो तो मटरों की जो एक फली होती है उसमें ही कितने सीड्स होते हैं, तो पूरे प्लांट में कितने सारे सीड्स पैदा होंगे, तो वो जो है मान लो कि 256 जो है वो सीड्स पैदा हुए, ठीक है, सपोज, सो 256, तो आप कैसे निकालोगे कि टॉल कितने हैं और डवाफ कितने हैं, तो इट इज़ बाय 3/4, तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो वो आपके पास आ जाएगा टॉल, और 1/4 से करोगे तो वो आ जाएंगे डवाफ, कि इतने टॉल हैं इतने डवाफ हैं। तो अब इसके बाद आती है हमारी सो जीनोटिपिक रेशो, तो मुझे सो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो इसके नीचे ही आपको लिखना है, तो उसके नीचे ही सो F2 सो जीनोटिपिक रेशो, F2 जीनोटिपिक रेशो, तो आप जीनोटिपिक बोल रहे हैं तो जीनोटाइप से लिख लो, तो F2 में जो जीनोटाइप्स आए हैं, तो देखो एक तो ये आया जीनोटाइप पहले वाला, और फिर दूसरा आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा आया स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप्स दो तरह के आए थे, जीनोटाइप तीन तरह के आए हैं, जब जीनोटिपिक लिखते हैं तो जीनोटाइप्स लिखते हैं, काउंट करो, सो दिस इज 1, सो और 1/4, ठीक है, क्योंकि टोटल है सो 4 है, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स में मतलब ये खाने 4 हैं, तो इट इज 1/4, सो ये है 2, ठीक है, सो दिस इज 1 एंड 1 2, और इट इज 2/4, जहाँ इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, उसके बाद ये 1 है, तो दैट इज 1/4। सेम उसी तरह से प्रोबेबिलिटी कि अगर 256 आए हैं तो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट निकालने हैं, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएंगे, 1/4 से करोगे तो ये आ जाएगा, सो देयरफॉर सो दिस इज द सो फिनोटिपिक रेशो 3:1, याद रखनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चाहे वो हाइट करेक्टर हो चाहे वो 7, जितने भी हमने करेक्टर्स लिए 1/1, आप कोई भी ले लो प्लांट जो है, तो अभी मैं होमवर्क दूंगी आपको, तो उसमें जो है F2 जो है जनरेशन जो है उसमें फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो जो है सो वो 1:2, 2:1, ठीक है, तो आप लोग जो है घर पे अपने जो है क्रॉसेस जो है बना सकते हैं, सो जैसे हमने लिया प्योर मान लो येलो, ठीक है, सीड्स, ठीक है, येलो सीड्स, प्योर येलो सीड्स हैं, तो हम लोग सीड का कलर ले रहे हैं, ठीक है, सीड कलर मान लो, तो ये ले लिया और हमने प्योर ग्रीन के साथ इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो जीनोटाइप हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो आगे आपने अब इसको करके देखना है, सो इसका F1 बनानी है, फिर F2 बनानी है, फिर F2 फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो, तो इसी तरह से जो 7 कटर्स हैं उनको आप बारी बारी इस तरह से कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इन दिस वे सो ये था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड उसकी सो रेशोज।